Hello everyone, welcome back to our channel. So we are back again with a new recipe. Hope so you like it, and if you do, please do like, share and subscribe to our channel. आलू को बॉईल करके ग्रेट कर लिया है, ऐसे ही अनियन ले लिया है, ऐसे ही लहसुन और अदरक भी ग्रेट कर लिया है, हरा धनिया लिया है, हरी मिर्ची और कैप्सिकम ली है। आप वेजिटेबल अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। अब मैंने थोड़ी सी स्वीट कॉर्न उन्हें भी बॉईल करके ले लिया है, इसे भी मैं इसमें ऐड करूंगी। अब मैंने गैस में एक पैन चढ़ा लिया है, इसमें मैं राई और करी भी ऐड करूंगी, थोड़ा सा साबुत जीरा। इसके चटकते ही मैंने पिंच भर इसमें हींग और लाल मिर्च भी ऐड की है। अब मैं अपनी वेजिटेबल्स इसमें ऐड करूंगी, जिसमें कैप्सिकम, अनियन, धनिया, लहसुन अदरक और ऊपर से कॉर्न। थोड़ा सा मैं इसमें अमचूर पाउडर भी ऐड करूंगी, लो फ्लेम में इसे कुक करूंगी। वेजिटेबल आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लें। अब सब्जी कुक हो चुकी है, इसे मैं एक बर्तन में निकाल लूंगी और ठंडा करके स्टफ करूंगी। 20 मिनट बाद मेरी सब्जी फूल चुकी है और इसमें मैं नमक, हल्दी, जीरा, धनिया और थोड़ी सी मिर्च ऐड करूंगी और पिंच भर हींग भी ऐड करूंगी। साथ में तीनों थोड़ा सा इसे भी मैं इसमें ऐड करूंगी, इससे ये फ्लफी बनेगा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा है तो उसे भी आप वाटर चम्मच। अब मैंने छोटी साइज की बाउल्स ले ली है, इसमें ऑयल ग्रीस कर लिया है। अब इसमें मैं ये बैटर सब्जी थी उसके मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं, उन्हें भी अब मैं इसमें एक एक रखूंगी, बीच में एक इसमें एक इसमें एक इसमें और फिर ऊपर से thank you.
कढ़ाई में पानी ले लिया है और इन बाउल्स को इसमें रख दिया है। ऊपर से मैं इसमें लिड लगा लूंगी जिससे ये स्टीम होकर कुक हो जाएंगे अच्छे से। चलिए अब मैं इसमें लिड लगा लेती हूँ। मैं इसे लिड हटा के चेक कर रही हूँ कि ये कुक हुआ है कि नहीं। मैं एक फोकस बना रही हूँ, नहीं नहीं इस थोड़ी देर और पड़ेगा। अब मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, उसमें एक चम्मच ऑयल ऐड किया है, कड़ी लीफ और अब मैंने ये जो स्टीम किए थे इन्हें निकाल लिया है और अब मैंने एक तड़का लगाऊंगी। चलो अब मैं इसे सभी को ऐसे अब ये एक मिनट में अच्छे से कुक हो चुके हैं। स्नैक्स बनकर रेडी है। ये इजीली कुक हो जाते हैं। एक बार आप इसे मेरे तरीके से अपने घर में ट्राई करें। ये काफ़ी टेस्टी और काफ़ी हल्का और हेल्दी स्नैक है। इसे आप खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। से सांबर, चटनी, केचप किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। सो यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू डू प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड विद दिस नोट अंटिल वी मीट अगेन बाय बाय टेक केयर।